एवरीवन, वेलकम टू बोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पाव बाइट्स, और ये बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं। फिर बच्चों को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बना के देंगे ना, तो वो शौक से खाएंगे। ये देखिए, हमने एक शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, एक बहुत बड़ा प्याज ले लिया है, आप दो मीडियम साइज के ले सकते हैं। मैंने अभी तीन पाव लिए हैं, चार ले सकते हैं आप। पाव भाजी मसाला हम यूज करने वाले हैं, जो भी हम इसमें से डालेंगे मसाला दानी में से वो आपको बताएंगे। और ये हमने दो बड़े टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बटर लेंगे, थोड़ा ऑयल लेंगे, जो जो डालूंगी मैं बताती जाऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। तो मसाला पाव बाइट्स बनाने के लिए हमने ये पाव लिए। एक्चुअली क्या है, आप जैसे पाव भाजी बनाते हैं और सपोज एक पैकेट बच गया आपका, और आपका पाव भाजी खाने का दोबारा से मन नहीं है, तो आप उस पाव से ये कर सकते हैं। तो हम पहले इनको बीच में से कट करेंगे, फिर ऐसे सेंटर से कट करेंगे, फिर इधर, मतलब कि हमें ये क्यूब्स में कट करना है, स्क्वायर्स बनाने हैं। आप देखिए इस तरह से कट करके अब हम साइड में से इनको कट करेंगे। कुछ भी आप चेंज करके देंगे ना, बच्चे बहुत खुश होके खाएंगे और खूब सारी सब्जियां भी खा पाएंगे उस तरह से। तो ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कट करके। ये देखिए, तो ये स्क्वायर पीसेस हमें ऐसे कट कर लेने हैं सारे। पैन हमने गरम होना रख दिया है, इसमें हम डालेंगे ये बटर, एक टेबलस्पून के करीब बटर डालेंगे। थोड़ा डालेंगे हम इसमें ऑलिव ऑयल, ताकि ना बटर जलेगा नहीं। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें ये प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज हम लेंगे, और इसको हम हल्का पिंक होने तक भूनेंगे। और ये ना हमें मीडियम फ्लेम पर करना है, ठीक है ना। इसको हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा भूनेंगे। अब देखिए इस तरह से, एक कटी हरी मिर्च डालेंगे, ऑप्शनल है, आप खाते हैं तो डाल लीजिए। ये देखिए इसको हल्का सॉटी करेंगे, प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें ये कटी हुई शिमला मिर्च। इसका फ्लेवर तो पाव भाजी में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए हमने मसाला पाव बाइट्स में भी इसको डाला है। ये देखिए इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए हम रोस्ट करेंगे, भूनेंगे। तो जब ये हमारी हल्की सी भुन जाए, हम डालेंगे एक चम्मच पाव भाजी मसाला। आप पेस्ट करके देख सकते हैं, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें टोमेटो, पर उसको हम थोड़ा एक मिनट भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, नमक हमने अभी नहीं डाला है। ये देखिए ये कटा हुआ टमाटर है, ये अब हम इसमें डाल देंगे। देखिए होता क्या है ना, सब्जियां वही हैं, सब एक ही तरह की हैं, लेकिन क्या है, तरीका सबका अपना अलग अलग है, और किसी भी चीज को डिफरेंट शेप देके ना आपको खाने में बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो रोज वही खाते खाते ना आप बोर हो जाते हैं। ये देखिए जब खूब सारी सब्जियां होंगी और पाव होंगे, तो अभी मैंने तीन ही लिए हैं ताकि अच्छे से सब्जियां उस पर कोट हो जाएं। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। ये थोड़ा नमक डाल के हम टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, क्रंची भी रख सकते हैं आप, जैसा आपको पसंद हो, पर हम थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आप देखिए अब हम इसको कुछ ही सेकंड्स में तैयार कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से भुन गया है मसाला, जो है हमारा बहुत बढ़िया से बन गया है। अब मैं थोड़ा सा ना इसमें पानी डाल रही हूँ, जब ये भुन जाए ना उसके बाद हमें ये पानी डालना है, ताकि क्या है वो थोड़ा सा उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाए, जो हम पाव बनाने वाले हैं ना छोटे छोटे बाइट्स।
तो ये हम इसमें डाल देंगे पानी, और अब हम डालेंगे इसमें ये पाव। एक बॉईल आ गया ना, देखिए ये बॉईल आ रहा है तो पानी कच्चा नहीं है। अब हम डाल देंगे इसमें ये पाव के पीसेस। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ ना, जो भी ये रेसिपी हैं बहुत अच्छी लगती हैं, बशर्ते आप उनको मन से बनाइए। ये देखिए, तो तीन पाव पाव के लिए ना ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, ये अच्छे से कोट हो गया है। अब मैं एक और इसमें कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप ऐसे खा सकते हैं। और बच्चों के लिए हम ना इसमें चीज़ ग्रेट कर सकते हैं, तो ये हेल्दी सा स्नैक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब हम करेंगे इसमें ऊपर से चीज ग्रेट। ये देखिए, तो बच्चे बहुत अच्छे से लाइक करेंगे। आप बिना चीज के भी खा सकते हैं अगर आप नहीं पसंद करते, तो ये आपके बाइट्स बहुत ही अच्छे तैयार हैं बनकर। कुछ सेकंड्स के लिए हम इनको सॉटे करेंगे। और ये देखिए, है ना बढ़िया। जो भी आपका बीच में ऐसे रह जाता है ना, हल्का सा आपको वाइट दिख रहा है, उसको फिर से आप ऐसे कोट कर लीजिए। तो ना ये ज्यादा है ना ये कम है, मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, दो आपस में जॉइंट है, तो फिर से आपको इसको ऐसे करना है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो फिर आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि कोई भी पाव आपका मसाले के बिना है, उसको आप मिक्स कर दीजिए बीच में और बस एकदम फ्रेश खा लीजिए, क्योंकि नहीं तो बहुत सॉगी हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, तो चीज का फ्लेवर है, नमक बढ़िया है, हमने टेस्ट कर लिया है और सभी मसाले परफेक्ट है। तो ये आप जरूर बताएंगे मुझे कि आपकी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लेटिंग करते हैं। और ये देखिए, अब हम इसको वापस थोड़े से चीज से गार्निश कर देंगे। और बहुत ही बढ़िया ये हमारा मसाला पाव बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।